Hey, what's up guys, this is Manjeet and welcome back to my another video. So guys, आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं एक काफी पॉपुलर डॉग ब्रीड के बारे में जिसका नाम है पिटबुल। और आज जो पिटबुल पपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ इसमें काफी सारी खास बातें जो कि आप लोगों को इसी वीडियो में जानने को मिलेगी। तो अगर आप लोग इस पपी को परचेज करना चाहते हैं, इस ब्रीड को परचेज करना चाहते हैं, तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी स्पेशल होने वाली है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि जो पिटबुल है ये रेड नोज और ग्रीन आईज में है जो कि काफी तगड़ा कॉम्बिनेशन है, और सिर्फ इतना ही नहीं चॉकलेट कलर में है जो कि पिटबुल में काफी रेयर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्वालिटी के साथ साथ आप लोगों को कलर और बाकी आईज का कॉम्बिनेशन भी काफी तगड़ा मिल रहा है। वैसे ऐसी क्वालिटी के पिटबुल का प्राइस आप लोगों को थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिलता है, लेकिन उन्होंने काफी डिसेंट सा प्राइस रखा है। एंड गाइस अच्छी बात यह है कि उन्होंने इसकी वैक्सीनेशन भी स्टार्ट करवा रखी है। पपी जो है ये काफी एक्टिव है, तो अगर आप लोग को सिक्योरिटी पर्पज से पिटबुल परचेज करना है और वो भी काफी अच्छी एज में, तो आप लोग इस पपी को परचेज कर सकते हैं। क्योंकि छोटे पपीज में आप लोगों को काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और ये भी डर रहता है कि कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। तो वैसे देखा जाए तो पपीज में ये एज परफेक्ट रहती है, क्योंकि एक तो इन्हें पता होता है कि भाई घर में गंदगी नहीं करनी, और दूसरी चीज आप लोग इन्हें परचेज करते ही इनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। बट गाइस जब आप लोग इसे परचेज करो तो डॉग ओनर से कुछ बातें हैं जो आप लोगों को क्लियर करनी पड़ेंगी, जैसे कि एक तो इसको कौन सी वैक्सीनेशन लगी हुई है, अगर लगी हुई है तो वह आप लोग को कार्ड पर मेंशन मिल जाएगी, और सेकंड चीज ओनर इसे खाने में क्या देते हैं, तो ये बात भी आप लोग डॉग ओनर से पूछ लेना, क्योंकि भाई अगर आप लोग सडनली खाना चेंज कर दोगे तो या तो पपीज बीमार हो सकते हैं या फिर वो खाना खाना छोड़ देंगे। वैसे गाइस क्वालिटी में आप लोग को कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज पपी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। उन्होंने रिसेंटली परचेज किया था बट कुछ फैमिली इश्यूज होने की वजह से उन्हें सेल करना पड़ रहा है। और हां गाइस अगर आप लोग पिटबुल को परचेज कर रहे हो तो इस ब्रीड के लिए आप लोगों के पास टाइम होना चाहिए इन्हें सोशलाइज और ट्रेन करने के लिए, अदरवाइज ये अग्रेसिव भी हो सकते हैं। और अगर बात करें इसके पेरेंट्स के बारे में तो इसके पेरेंट्स की जो फोटो वीडियोस है वो ओनर आप लोगों को पर्सनली सेंड कर देंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग कभी भी उन्हें कॉल या मैसेजेस कर सकते हो। और वैसे तो आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ने वाली, बट फिर भी अगर आप लोग इसकी क्वालिटी वीडियो कॉल पर देखना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स अगर इस पिटबुल की एज के बारे में बात करें तो ये पपी 2 मंथ्स का हो चुका है, एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड गाइस जो लोग ओनर के आसपास से बिलोंग करते हैं जो डायरेक्ट जा सकते हैं वही लोग इसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ओनर जो है वो आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। उनका स्पेशल ये कहना है कि डायरेक्ट घर आओ, पपी की क्वालिटी अच्छे से चेक करो, उसके बाद में ही परचेज करो। एंड फाइनली अगर प्राइस के बारे में बात करें तो पपी की क्वालिटी आप लोग देख ही चुके हैं काफी यूनिक है, रेड नोज में और ग्रीन आईज में। तो ओनर जो इसके प्राइस की डिमांड की है भाई वो के 10,000 रुपीज यानी 10,000 रुपए। एंड डोंट वरी गाइस सीरियस बायर्स के लिए प्राइस और भी कम हो जाएगा, तो आप लोग बारगेनिंग कर सकते हो। तो आशा करता हूँ इस पपी की क्वालिटी और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। तो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।